है गोभी जो मैंने पानी के अंदर बॉईल कर ली थी। सिर्फ 4 से 5 मिनट उसको रखा मैंने, उबलते हुए पानी में डाल दिया था और पानी में था नमक। तो गोभी के फ्लोरेट्स मैंने काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा, जो ज़्यादा बड़े हैं उनको एक कट और मार दूंगी बीच में। और अब हम बनाने वाले हैं गोभी मंचूरियन का जो डिप होता है, जो बैटर होता है वो। मन कर रहा था आज कुछ अमेजिंग से खाने का। गोभी को छोटा छोटा काट लिया, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी बैटर भी कोट होगा। तो अगर ज़्यादा बड़े हम पीसेस रखेंगे तो बहुत मोटी गोभी बन जाएगी और वो मज़ा नहीं आएगा उसका। तो छोटे छोटे पीसेस मैंने इनको काट लिया है। और ये गर्म है अभी, इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक हम बनाते अपना बैटर। ये मैंने ले लिया है 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर और मैं 4 चम्मच अभी मैदा है वो भी डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आई एम गोना ऐड सम सॉल्ट इन दिस एंड ब्लैक पेपर। ध्यान रखिएगा कि हमने गोभी को बॉईल करते हुए बहुत सारा नमक डाला था, तो उसके अंदर ऑलरेडी है थोड़ी सी लाल मिर्च और ये ब्लैक पेपर। मेरे पास गार्लिक पाउडर भी पड़ा है तो मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाल दूँगी। अब इसमें गार्लिक पाउडर, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च मैंने सब डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डाल के बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा सा पतला ही रहेगा। वो थिक हो रहा है तो थोड़ा सा और पानी डालूंगी। कोई भी लम्प्स फॉर्म नहीं होने चाहिए। यार गार्लिक की खुशबू ही अलग आती है। मैंने तो यूज़ किया था क्योंकि मैंने ला के रखा हुआ है गार्लिक पाउडर, पर अर्चना यूजुअली मैगी वैगी में भी डालते हैं। अब हम अपने गोभी के फ्लोरेट्स इसमें डाल के डिप कर लेंगे अच्छे से। आज वाली रेसिपी इतनी शायद हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, पर टेस्टी बहुत है। और बहुत दिन हो गए, मुझे याद है लास्ट में बॉम्बे में बनाई थी, तो आज मन कर रहा था तो मैंने कहा बनाई जाए। मीनवाइल तेल को चढ़ा दिया है। मेरे पास थोड़ा पुराना वाला फ्राई करने वाला तेल भी था जिसको मैंने एक ही बार यूज़ किया था, और उसमें मैंने नया भी डाल दिया है। अब इसको गर्म होने देते हैं। अब हम गोभी को अच्छे से कोट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अपना अब हाथ इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने हाथों का। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरी सारी गोभी पे वो लिक्विड आ चुका है, बट इस पे हम अब थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर, मतलब अराउंड 3 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लावर डालेगा और 1 टेबलस्पून और मैं मैदा डालूँगी। कॉर्नफ्लावर से वो क्रिस्पी होएगा और वही हमको खाना है, और मैदे से वो कोट जो है उसके ऊपर अच्छे से चढ़ जाएगा। तो तैयार गोभी हमारी कुछ इस टाइप की दिख रही है। जहाँ जहाँ ये सूखा है इसको आप बैटर लगा दें, ये देख सकते हैं। Now I'm gonna fry them on medium flame. इसको 2 बार फ्राई करना है, तो पहले हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद दोबारा फ्राई करेंगे।
उसी से वो एकदम क्रिस्प टेक्सचर आएगा। हमको फर्स्ट टाइम जब इसको करेंगे ना तो 80% ही डन करेंगे, क्योंकि एक बार और हमको इसको वापस डालना है। तो इट्स ऑलमोस्ट 80% डन। आप देख सकते हो एकदम कोट क्रिस्पी सा हो गया है। तो अब आई एम गोना टेक इट आउट। देख सकते हो आप, ये ऑलरेडी कम हो चुकी है गोभी, 3-4 ही आदमी खा चुका है और अभी भी कह रहा है एक और दे दे, एक और दे दे। ये भाई इंसान है जिसने अभी बोला मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मंचूरियन पसंद नहीं है, देसी पसंद है। ये तो गोभी, ये तो खाई जा सकती है, मंचूरियन में कन्वर्ट नहीं। ये देखो बैच 2 भी डन हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल हो रहा हूँ उसको इरिटेट करने में। मैं वो मंचूरियन बता रही थी, मैंने उसकी मंचूरियन की रेसिपी कैंसिल करवा दी। मैंने बोला यही खा लेते हैं पकौड़े। तो ये फटाफट हम फ्लैश फ्राई करेंगे, यानी कि दूसरी बार गोभी को, जो पहले वाली गोभी थी उसको दोबारा फ्राई। वाई यू इरिटेटिंग लेती, इरिटेट हो थोड़ी दिए तू। वही तो मेरी खासियत है बेबी, कहाँ मिलेगी तुझे ऐसी। टू बी ऑनेस्ट, इतनी टेस्टी है इसी स्टेज पे कि अगर मंचूरियन ना भी बनाए तो भी चलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यही होने वाला है, बिकॉज ये जो इंसान पीछे खड़े हैं कैमरा के, बिल्कुल इनकी नज़र इसी पे है। एनी सिंह छोड़ना है, मंचूरियन क्या बनाना है यही खा लेते चाटू सर डाल के। तो गाइज, आज की रेसिपी नहीं थी गोभी मंचूरियन, आज की रेसिपी थी गोभी के पकौड़े। दीज आर नॉट टिपिकल बेसन के पकौड़े, दीज आर वेरी टेस्टी। मैं तो और कॉर्नफ्लावर डाले इसमें, तो ऑब्वियसली स्वाद पता ही आपको, फिर चार गुना हो जाता है। Not a very healthy option, but occasionally good. इस स्टेज पे भी इसको खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। मुझे पता नहीं है कि ये रेसिपी अपने अंत तक जाएगी या नहीं। क्या कहते हो अर्चना तुम? मैं कहता हूँ वो वाली प्लेट मेरे को दे दे, मैं खा लेता हूँ नमक चाट मसाला डाल के, ये मंचूरियन बना ले। मेरा भी मन कर रहा है फिर अब यही पकौड़े खाने का, तो यही खा लेते हैं। रेसिपी कैंसिल। ये है हमारे ड्राई मंचूरियन, चाट मसाला, इसके ऊपर खाली प्याज और मिर्ची डाल के खाना है। हाँ नहीं, और ये बंटवारा हो रहा है क्योंकि मुझे डालना है काली मिर्च और इसको नहीं डालनी। इक्वल है ना ये, मेरे को छोटे छोटे पीसेस दिए मैंने सारे। ये वही इंसान है गोभी ठीक ठाक है। अच्छा, ऑफ कैमरा अभी चल रहा था, गोभी के बहुत ही क्रिस्पी फ्रिटर्स पकौड़े। फ्रिटर्स? फ्रिटर्स नहीं, फ्रिटर्स। फ्रिटर ही बोल रहा हूँ, तेरी गोभी खा रहा हूँ ना, ऐसे हो गया। जोक्स अपार्ट, ये चीज़ बन गई ना, ये बेस्ट पकौड़े हैं वाकई में। एक्चुअली स्वाद तो कमाल का है, ऐसा बना के खाना आप एक बार। हाँ, ये वाला, ये रेसिपी यही डाल देना तू। स्वीट चिली के साथ खाना है इसको। ओहो, चाट मसाला ऊपर से डाल था हमने। मैंने ना आधी पी है, बाकी तू पी लेगी? ये फेंक दूँ? पागल है क्या? ले ले, यहाँ रखिए।